गुड मॉर्निंग अभी हो चुका है 10 o'clock और आज लास्ट खुदुरुकुणी संडे का। तो हैप्पी खुदुरुकुणी। ये उड़ीसा का है, जो उड़ीसा का भाई बहन है ना उनको पता होएगा। हर लेडीज अपने भाई के लिए ये पूजा करती है, जो बालू का पूजा होता है। और मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ से लिया है कि मैंने भी पूजा किया है। और इस तरह से नहीं, वो नदी के मिट्टी जो शैल होता है ना उसी में ही बालू का बना के पूजा किया जाता है। बट यहाँ पे तो मैं मॉर्निंग से ना बहुत ढूंढा है, मॉर्निंग से फ्लावर, दूब, बरकोली। और सुबह यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह जल्दी कंप्लीट करो। और मैं जाती हूँ चाय और चपाती लूँगी। चपाती नहीं तो आज डोसा बनाया है, मैं बैटर बना लिया था कल। और इस तरह से हुआ है मेरा पूजा। और मैं शादी के बाद से नहीं किया है। शादी जब हो गया ना मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे नीचे मेरी बहन है वो कर लेती थी। अब तो लास्ट ईयर ही उसका शादी हुआ है और उसका एक छोटू सा बेबी है, तो जिस वजह से वो इस टाइम नहीं करेगा। मैं ही मना किया कि मत कर, क्योंकि वो भी फीडिंग कर रहे हैं, तो वो करेगा तो बाबू को तकलीफ हो जाएगा। तो मेरा तो सब कुछ क्लियर हो गया है, मैं कर सकती हूँ। मैं काफी साल के बाद मैं करती हूँ। तो 6 ईयर के बाद मैं फिर से इसको कर रहा हूँ प्रॉपर में, क्योंकि बाहर रहती हूँ। इस वजह से मुझे ना काफी चीजें जो होता है ना, कहाँ पे बरकोली नहीं मिलेगा, कहाँ पे दूध नहीं मिलता है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता था। तो मैं सुबह बहुत छोटा था और वो तो घर में थी, कर लेती थी। और मैं हाँ फास्टिंग करती थी। फास्टिंग जैसे घर में पूजा होता है, ये ना लास्ट पाली है। लास्ट पाली को 1-2 o'clock की भगवान जी को पूरा सजाएंगे। मीन्स ये मंगला माँ की पूजा है, माँ मंगला की। तो मेरे पास मंगला का कोई भी मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी जी का है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी को भी भोग दिया है और वो बालूका में भोग चढ़ा दिया। बस इतना ही कर पाए और कुछ नहीं। बट उनको सजाते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं। पूजा होता है घर में, आप फ्रूट्स पूजा में ला सकते हो। और खाना आई थिंक नहीं देते, मुझे याद नहीं, सच में मुझे याद नहीं। और डोसा हाँ मामा बनाती थी, हम डोसा जाके खाते हैं। और सच में मुझे कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा है। हमें एक दो बार देखूंगी किसी का तो आई थिंक याद आ जाएगा कि ये पूजा आई थिंक कैसे होता था ऐसे भी। और हम ना बचपन में फास्टिंग तो करते थे, बट आज जैसे फेस्टिवल का सजावट होएगा ना, पूरा गांव भरा रहेगा लाइटिंग में और इस तरह से। बट मैं जस्ट माँ के दर्शन के लिए जाऊंगी और दादी माँ मेरे सारा भोग वगैरह लेके वो जाएंगे, वहाँ पे पूजा करके वो ही लेके आएंगे। इस तरह से हम जितना भी बहने थे, मैं तो खास करके मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलूंगी, बस भगवान जी का दर्शन करूंगी, घर में आके बैठ जाऊंगी, इस तरह से थी। और दूसरे जो बहन थे ना वो मुझसे बड़े हैं, वो घूमेंगे फिरेंगे और कुछ कुछ होता था, बहुत कुछ होता था, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ इस टाइम हो रहा है, मीन्स बहुत कुछ होता था। बट मुझे ना इतना कुछ पता ही नहीं, बस मैं फास्टिंग करूंगी, जैसे भोग आ जाएगा उसको ले लूंगी और 2-3 o'clock बच जाता है और उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर से मेरा काम में लग जाऊंगी। मैं मेरे ही दुनिया में बिजी थी, मैं किसी के साथ ना मिलना जुलना कुछ भी नहीं था। अभी चलिए मैं जाती हूँ, एक डोसा बनाऊंगी, उसके बाद चाय भी। गरम चाय आ जाए। आपको तो देख सकता हूँ, देख सकते हो आपको कितना फूट से देखा जा रहा है। मेरा इडली है कि नहीं और डाले, ये कौन है? इडली का ढिसली हो गया, ढिसली पक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट और ये मैं खिचड़ी बना रही हूँ बस सुबह के लिए, थोड़ा सा वेजिटेबल डाल के। और बस आज मैं राइस नहीं लूँगी, मैं बाद में देखूँगी क्योंकि अभी मेरा पेट भरा हुआ है इस तरह से। और बस मैं 2 डोसा ले लिया है और सुबह के लिए छोटा सा डोसा बनाया था, जब जैसे आप लोगों ने देखा है कि वो सुबह जिन्हें जिद के आके उसको इडली खाना है, डोसा का बैटर ख़त्म होने वाला था, मैं इडली कहाँ से बनाऊँ, इसलिए वो मोटा करके छोटा सा बना दिया। और ये खिचड़ी बस सुबह के लिए है। और मैं ना यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी ये पूजा का क्या महत्व है और ये पूजा क्यों और कैसे किया जाता है। और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया मॉर्निंग में बालू का पूजा। वो बालू का पूजा ऐसा होता है कि वो आपको ये मंगला माँ की पूजा है, खुदुरुकुणी माँ खुदुरुकुणी हाँ ऐसे बोलते हैं। और उनको संकल्प किया जाता है, आप नहाने के बाद पूजा स्टार्ट, तब से पूजा स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे नहाते हो तुरंत ही आप संकल्प करते हो, वो मिट्टी सैंड, जैसे मैं आप लोग बोली कि सैंड के थ्रू हाथ को ऐसे क्रॉस करके पानी में एक मीन्स ऐसे मंदिर जैसा बनाते हैं मिट्टी पकड़ पकड़ के। बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, मीन्स सैंड नहीं था, तो मैं पानी से ही बस उसके ऊपर पानी डाल दिया। ये तो मिट्टी पकड़ पकड़ के आपको इकट्ठा करना है, उसके बाद उसको एक जैसे टेम्पल की तरह सजाना है और उसको ही पूजा करना है, इस तरह से होता है। और कभी ऐसा मौका मिलेगा ना मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी ये सारी चीज़ कैसे किया जाता है, बट मैं बाहर रहती हूँ ना, ये इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये सारे लेडीज अपने भाई के लिए ही करते हैं, उनके सेहत के लिए, उनके अच्छे के लिए, जैसे वो उन्नति करे अपने लाइफ में, इस ये कामना करके। और इसका ना अच्छा भी स्टोरी है, बट मैं आप लोगों को छोटा सा करके बताऊंगी, बहुत बड़ा स्टोरी है, सब तो यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी। तो आपको मेन पॉइंट क्या है वो बता देती हूँ कि ये है ये एक ऐसा स्टोरी है कि यहाँ पे तोपोई और उसके सारे 7 भाई थे जो साधव थे। साधव आप लोग पता है कि वो वणिज करते हैं, मीन्स वाणिज्य करते हैं, बाहर जाके दूर देश में जाके वाणिज्य करते हैं और जो वापस आते हैं तो उनका 1 साल तक जैसे बोलो तो वो हो जाता है। उसी तरह से 7 भाइयों के बाद एक बहन आई थी, वो तो हुई तोपोई और बहुत लाडली थी, पापा मम्मी की लाडली थी और भाइयों की लाडली थी। भाइयों का शादी हो गया, उनका भाभियाँ आ गई, 7 भाभियाँ आ गई और बस 6 भाभी यहाँ पे अच्छे मीन्स बुरे हैं और छोटी भाभी जो थी बहुत अच्छी थी। और वो भाइयाँ जब भी घर में थे तो सब अच्छे थे, जैसे वो वनिस के लिए बाहर चले गए तो भाभियाँ थोड़ा सा चेंज हो गए, मीन्स 6 भाभी ऊपर का भाभी जो है वो थोड़ा सा चेंज हुए, वो अच्छा, बट जो छोटी भाभी थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत जैसे वो स्टार्टिंग में लाडली थी उसी तरह से उसको लाड प्यार कर रही थी। बट ये 6 भाभियाँ उसको बहुत परेशान कर रहे थे, उसको जंगल में बकरियाँ चराने के लिए से भेज देते थे और जो इस तरह से होता था। और 1 साल के बाद जब उनके भाइयाँ आए और इस तरह से उसको देखें, उसी बीच भी मंगला जी को मीन्स मंगला माँ को वो तोपोई जो बहनें वो पूजा करती थी कि मेरे भाइयों को जल्दी से भेज दो। तो एक दिन ऐसे वो ऐसे बैठी थी और रो रही थी, उसके भाइयाँ आए और उसको सारे कुछ पूछे क्या हुआ, क्यों रो रहे, क्योंकि उसके आंखों में आंसू भी नहीं आने देते थे, ऐसे प्यार करते थे वो सब भाइयाँ। तो वो जैसे सब कुछ बताया और छोटी भाभी के बारे में भी बताया, तो वो गुस्सा किए और घर जाके सबको जैसे क्या बोले, आई डोंट नो, उसके बाद में मुझे स्टोरी से याद नहीं है, बट बोले कि आप उसको जैसा लगे आप अपने भाभियों को सजा दो इस तरह से। तो वो एक रूम में बैठ गई और ऐसे करके सब भाभियों को बुलाया, मीन्स भेजा गया कि जाके भूल मांगो। तो वो जैसे जाते थे और आते थे तो उनका नाक कटा हुआ हो जाता था, मीन्स वो गुस्से से उनका नाक काट रही थी। और छोटी भाभी जब गई तो वो खुश होके आई क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, तो उनका कुछ भी नहीं हुआ और छोटी भाभी के साथ वो घर गई, बहुत अच्छे से रहे, खुश से रहे। बस ये छोटा सा स्टोरी था। और उसके बाद हम लोग ना झूना जो बोलते हैं, आग में वो एक पाउडर है झूना हम बोलते हैं, आई थिंक यहाँ पे गुग्गुल बोलते हैं, वो डालते थे, वो खेल होता था। ये एक छोटा सा जो स्टोरी बताया अभी, ये भी वन आर्ट प्ले गाँव में होएगा, बट इस टाइम जो भी मुझे मिला है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। इतना कुछ नहीं मिला क्योंकि घर में कोई भी ये फास्टिंग नहीं किया तो वो नहीं गए बाहर, और कोरोना के टाइम ये इतना कुछ भी नहीं हुआ था, शायद मेरे ख्याल से नहीं हुआ था, नहीं तो कुछ तो शूट कर लेते, बट चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है दही बड़ा जो मैंने बनाया है नाइट को, और आज मैं इसको ही लूँगी दोपहर में। और सुबह को खिचड़ी खिला दिया है, मैं ये दही बड़ा को छोंक नहीं लगाया था, तो छोंक लगा के मैं मेरे लिए अभी प्लेट रेडी कर रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाने के लिए, दही बड़ा यम्मी है। और चलो ये स्टोरी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जितना मुझे याद है, क्योंकि ये बहुत बिग स्टोरी है तो आपको शॉर्टकट में बता दिया एक्चुअल में क्या है। तो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और आप लोग मेरे वो लास्ट वाले स्टोरी को मीन्स मुझे याद नहीं, हाँ, साठियोसा की स्टोरी को बहुत पसंद किए, इसलिए थैंक यू टू ऑल, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा वो स्टोरी। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। ये है मेरा लंच आज का, तड़का ना बहुत अच्छा, ये अभी के लिए काफी है। सुबह नहीं खाता है, मैं उसको पूछती हूँ, बैठो बैठो। चंडी आतंक काल सुमरती जो जन महागर संकट पीठ अवन अदृश्य अदृश्य हे तो नाम धोले विपत्ति न थाए माग तोते आश्रय कले तोहर जना मन जो सुमर कि संकट मागे विपत्ति न थाए अनाथ को दया मत तु ही करी पारो दुस्तर पड़े माद प्राणी की उधार। पूजा एक्चुअल में शाम को ही बहुत ही धूमधाम से किया जाता है, बुक रीड किया जाता है। यहाँ पे ना मेरे पास बुक नहीं था, आई थिंक मैं नहीं करती तो मैं आई थिंक नहीं लेके आई हूँ। जो मैं फेस्टिवल करती हूँ मीन्स फास्ट करती हूँ वो बुक लास्ट टाइम मैं गई थी तो तभी लेके आ गई थी। इस टाइम मैं सोची थी ये सारे बुक भी लेके आऊँगी और बट ये सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिस वजह से मैं नहीं जा पाई और नहीं लाई हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी कभी तो लेके आऊँगी। और यहाँ पे जितना मेरे साथ हो पाता है ना मैं करती हूँ। और ये मैं छोटा सा प्रसाद चढ़ाया, ये चुड़ा खासा, चुड़ा को मीन्स पोहा को पाउडर बना के घी में, जैसे मैं आप लोगों को काफ़ी बार बना के दिखाया है, यही मैं बना के यहाँ पे रखा है। और सुबह यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर रहा है और ये सुबह ने बोला कि मामा इसको दिखाओ, इसका न्यूज़ चल रहा था तो ये दिखा दिया है। और अभी मैं बनाऊंगी चाय, करण भी आ चुके हैं, सारे पाव भी पड़ चुके हैं भगवान जी के। और चाय बनाने के बाद ये ब्लॉग को भी मैं एंड करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये ब्लॉग आज का। आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग। और जितना होता है ना मैं उतना ही दिखाती हूँ और मैं कभी ऐसे मौका मिलेगा ना जरूर ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी हो रहा है इवनिंग और मेरा बाल ना आज बहुत ही खराब हो रहा है, आई डोंट नो। और मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। ये ना थोड़ा सा लेट नाइट होता है, इसका जो भी होएगा ना मैं बोला है घर में अगर देते हैं ना मैं जरूर इसके बाद वो सब आटास करूंगी। और बस अभी मैं चाय चढ़ाया है, प्रसाद वहाँ पे रखा है से होता है। और ये मंगला माँ की पूजा है तो मंगल स्तुति ही मेरे पास है जो मैं पढ़ लिया। और खुदुरुकुणी का इसका अच्छा सा बुक है जो मेरे पास अभी नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो मैं लेके आऊंगी। और मुझे कुछ पिक और वीडियो मिलेगा तो जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक आप करना भूल जाते हो तो स्टार्टिंग में आकर लाइक कर दीजिए और यूजफुल लगे तो शेयर भी कर लीजिए। बाय। दोनों साइड में ही बोल दी थी कि जब भी पूजा होएगा या कुछ मुझे दिखा, मुझे भेजो, बट ये ना मेरा मायके से ही छोटा सा क्लिप आया है, ससुराल से वो भूल चुके हैं शायद वो दिए नहीं। और ये कोठी है, कोठी में पूजा बहुत अच्छे से होता है, ये सारे पूजा कोठी में ही किया जाता है।